वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के वर्धामना में रात को 1 बजे के दौरान 3 चोरों ने हंगामा मचाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी अनुसार ट्रांसपोर्टर विमलेश सिंह उम्र 44 साल सिंह ट्रांसपोर्ट वाड़ी के मालिक की गाड़ी वर्धामना में रात को 12 बजे TCI गोडाउन के सामने सर्विस रोड पर चालक गोलू सयाम ने ट्रक खड़ा कर दिया था। चालक पेशाब करने गया था। चालक लौट कर आते ही 3 चोर 2-व्हीलर क्रमांक MH40BX2257 पर आए और माचिस मांगने लगे, जिस दौरान उन्होंने चालक को पकड़ लिया। चाकू दिखाकर चालक को चोरों ने पैसा मोबाइल मांगने लगी। चालक ने हल्ला करने पर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को देख चोर घबरा गए और वहां से गाड़ी चोर भाग निकले। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। PI प्रदीप सूर्यवंशी ने तुरंत पुलिस को घटना की जगह भेजा। चोरों की 2-व्हीलर जब्त कर चोरों का पता लगाया गया। इस संबंध में मामला दर्ज होने का है। तोबा अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष विमलेश सिंह, शिवसेना महाराष्ट्र वाहतुक सेना उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, घनश्याम पटेल, सचिन यादव, लाला सिंह, चालक गोलू सयाम ने पुलिस विभाग का धन्यवाद माना। वाड़ी वर्धामना परिसर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चोरी, गाड़ी वालों के साथ चोरी डकैती की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। इसी क्रम में कल रात लगभग 1 बजे TCI गोडाउन वर्धामना के पास में गाड़ी नंबर MH40 6128, इसके ड्राइवर के साथ में 3 चोरों ने मोबाइल छीनने का और पैसे छीनने का प्रयास किया। ड्राइवर की तत्परता से, होशियारी से वो तीनों भागने की कोशिश करने लगे। उसी समय ड्राइवरों ने समझदारी का परिचय देते हुए तुरंत वाड़ी थाने को सूचित किया। वाड़ी थाने ने भी इमीडिएट कार्रवाई करते हुए माननीय PI सूर्यवंशी जी के आदेश अनुसार PSI गणेश जी मुंडे, पुलिस कांस्टेबल प्रमोद जी गिरी, नायक सिपाही मनिंदर जी, संतोष जी, शिवशंकर सिंह और बंडू सिंह जी ने रात को 1 बजे कार्रवाई चालू की और सुबह 6 घंटे के अंदर अंदर तीनों आरोपियों को पकड़ के वाड़ी थाने में अटक किया। माननीय PI साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को कि इस तरह के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्यों कि वर्धामना में पुलिस चौकी नहीं है और उसका पूरा लोड जो है वाड़ी थाने के ऊपर आता है, तो वाड़ी पुलिस प्रशासन भी इस तरह की घटनाओं से बहुत परेशान है। अभी हम सब वाड़ी थाने में पहुंचे हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और तीनों आरोपियों को अटक किया गया है। अब आगे की कार्रवाई जैसी भी जो रहेगी उसके लिए हम फिर से एक बार माननीय PI साहब, उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय CP साहब से, वाड़ी थाना इंचार्ज सूर्यवंशी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि एक वर्धामना में पुलिस चौकी होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन वर्धामना के अंदर में चोरी की वारदात और डकैती की वारदात काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है। दिन दहाड़े भी ये कार्य होने लग गया वहाँ पे। काफ़ी बार आपको इनको भी सूचित किया, उसके बाद वाड़ी थाने से पहले हमको सहयोग प्राप्त नहीं होता था, मगर आज जब से सूर्यवंशी साहब आए हैं और DCP नूर हसन साहब आए हैं, तो तत्कालीन जैसे वाड़ी थाने को इन्फॉर्मेशन देने पे पुलिस वहाँ तुरंत स्पॉट पे पहुँचना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पहले पुलिस पहुँच ही नहीं पाती थी। मैं इसीलिए वाड़ी पुलिस स्टेशन का धन्यवाद करूँगा कि इसी तरह अगर वाड़ी पुलिस स्टेशन एक्शन में रही तो ये वारदातें, डीजल चोर, ये पैसा चोर गैंग। BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।